Yadevi Sarvabhuteshu Chandraganta Rupede Sansthita Namastatse 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 Namunamaha नमस्कार, आप देख रहे हैं फेमस मीडिया और मैं हूँ आपके साथ मानसी गुप्ता। शास्त्रों में बोला गया है कि नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा अर्चना की जाती है, उनके पूजन के सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। इनकी आराधना से मनुष्य के दिल से अहंकार का नाश होता है और वे असीम शांति की प्राप्ति करते हैं। भक्तों को निरोग रख उन्हें वैभव और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली चंद्र घंटा माँ आज सभी के घरों में विराजमान होगी। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे अवतार है। देवी के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण इन्हें चंद्र घंटा बोला जाता है। अपने वाहन सिंह पर सवार माँ का ये स्वरूप युद्ध और दुष्टों का नाश करने के लिए तत्पर रहता है। चंद्र घंटा को स्वर की देवी भी कहा जाता है। माँ के इन 10 हाथों में ढाल, तलवार, खड़ग, त्रिशूल, धनुष, चक्र, पाश, गदा और बाणों से भरा तरकश है। माँ चंद्रघंटा का मुखमंडल शांत, सात्विक, सौम्य लेकिन सूर्य के समान तेज वाला है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा भी सुशोभित है। आइए जानते हैं कैसे करें माँ चंद्रघंटा की पूजा। नवरात्रि के तीसरे दिन माता की पूजा के लिए सबसे पहले कलश की पूजा करके सभी देवी देवताओं की पूजा करें। माता चंद्रघंटा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद चौकी पर घड़े में जल भरकर उस पर नारियल रख दें। कलश स्थापना भी करें। इसके बाद पूजन का संकल्प लें। माता को वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, विलपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, फल, पान अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाएं और इसके बाद प्रसाद वितरण का पूजन संपन्न करें। सभी को प्रसाद दें और माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद दें। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें।